مبشرا ارسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم كما تحب وترضى ان شاء الله عليك يا رسول الله. انتخاب चुन लेना, छाट लेना, नामजद कर देना हमारी जिंदगी का मशवरा हमारे बुजुर्गों ने दिया। हम जब चुनते हैं बाहर से कोई सामान लाते हैं तो खतरा घटिया माल को नहीं उठा रहे, अक्सर बाहर से देखने वाला खुशनुमा सेब बेहतरीन जालियों में रखा हुआ है, दीदा सेब है, एट्रैक्टिव है, अपने पैसे दिए घर लाए, जब चाकू से काटा अंदर के जरासीम बाहर लग रहा है, चूक गए। आम नजर जब चुनती है तो आम लोग की नजर, और खास नजर जब चुन लेती है तो खास की नजर। सदरे मोहतरम पीर अमीनुल हसना हमारी चुनी हुई शख्सियत नहीं है, जियाए उम्मत ने बराए उम्मत चुन ली, जियाए उम्मत ने बराए उम्मत चुन लिया। अब अगर चुनने वाला मुहक्किक होता है तो उसका चुनना तहकीक है। मेरे नबी के इशारों में चुन लिया तो सिद्दीक की सदाकत का झंडा आज भी लहरा रहा। मेरे नबी ने चुन लिया तो खैबर का किला खड़ा है कि अली का, अली की ताकत का परचम लहरा रहा है। और जब अली ने चुन लिया उम्मत को बचाने के लिए तो हुसैन का झंडा करबला में लहरा। चुनने वाला कौन है ये देखो, जियाउल उम्मत चुने तो अमीनुल हसनात हो जाए। हसनात की अमानत के लिए, हसनात की नेकियों की अमानत के लिए पीर के अनुशा साहब ने जियाउल उम्मत की नेकी अमानत के लिए हिजरत की रात, हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, दुश्मनों की घात है, वल्लाह क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। हिस्ट्री का टुकड़ा है, आसानी से सुन लो। मक्के के काफिर तंग आ गए और कत्ले रसूल का प्लान करने लगे, कहीं कभी काफिर हो अरब का हो या अचम का हो, सिंध का हो या हिंद का हो, कहीं कभी काफिर हो तंग आता है तो दहशत की तरफ जाओ। जब इस्लाम से वो तंग आता है क्योंकि इस्लाम सलामती का मतलब है और उसे सलामती नहीं चाहिए। अबू जहल को सलामती नहीं चाहिए, दहशत की तरफ चला गया। और रसूल पाक को सलामती चाहिए, दुश्मनों को माफ करने का कदम उठा दिया। इस्लाम इज रिलीजन ऑफ फॉरगिवनेस, इस्लाम अंग का मतलब है,
सलामती का मतलब है, दुश्मनों को माफ कर देने का मतलब है, दुश्मनों को माफ कर देने का मतलब है। इसीलिए सलाम इस्लाम है। फिर आऊंगा, पहले वो बात पूरी हो जाएगी, जगत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ, वहां भी एक अमानत का मसला। अली अल्लाह का हुक्म आ गया, रातों रात जाना। मेरे नबी की जिंदगी में रातों रात का बड़ा दखल है, रातों रात का बड़ा दखल है। मेरे अजीम रहनुमा दानिश्वर आलिम दीन जानशीन जियाउल उम्मत, बड़ा दखल है। जब भी खुदा ने अपने महबूब को बढ़ाना है, बढ़ाना है, तो रात और रात। जब मकान से लामकान ले गया, सुबह नदी असरा नहीं गई, जब निर्मा के भी खराबे रात और रात, मकान से रब ले गया लामकान तक रात और रात, और आज यहां मक्के से मदीना ले जा रहा है रात और रात। अली अली का काम नहीं है कि मैं अमानत है जो मेरे पास है वो मैं सबको दे के जाऊं। ऐसा करो, मेरे बिस्तर पे तुम सो जाओ, स्लीप ऑन बेड, लेट मी गो। ये अमानत मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे अमीन हो। जब उम्मत का अमीन तो चमक रहा है, मगर मेरे नबी का अमीन छाया हुआ है, क्या गया में छाया हुआ। तुम सो जाओ, सुबह उठना, नबी ने कह रहा सुबह उठना, ये फला 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 की अमानत को दे देना, तुम भी आ जाना। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, मैं उस रात ऐसी चैन की नींद सोया कि लाइफ में ऐसी चैन की नींद कभी नहीं। बाहर 40 काफिर, कितने 80 आंखें, जब 40 काफिर होंगे तो आगे तो 80 होंगे। दरवाजे पर टिकी हुई है, टक टकी लगाए, टुकुर 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 टुकुर, निकले तो मारो। ऐसे खतरनाक बिस्तर मौत चैन की नींद, रात के 2 बजे अगर पुलिस वाले आ जाए ड्यूटी अदा करने के लिए, अपनी ड्यूटी अपनी फरीजा अदा करने के लिए, पूरे घर की नींद उड़ जाएगी। ये 2 बजे रात में आने का कौन सा मामला, और अभी चैन से सो गए। और रातों में इससे ज्यादा चैन होना था, उसमें तो नहीं सोए। का सुनो, आज की रात स्पेशल है क्योंकि आज की रात मेरे नबी ने कहा अली तुम सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। मैं समझ गया कि किसी भी रात को मुझे मौत आ सकती है, आखिरी रात मौत नहीं आ सकती।
उनकी स्टैंड पे ऐसी खड़े होने की, बीस इधर खड़े हैं, बीस इधर, और बीच में गैप है। ये गैप क्यों दे रखा है? वो तलवार चढ़ाने के लिए जगह चाहिए, नशा चढ़ाने के लिए जगह चाहिए, स्पेस। सरदार ने कंकरी फेंकी और उसी खुले स्पेस से चले गए। काफी रोना देख रहे हैं, एक ताश खुल गया, मेरा नबी काफी उनको नहीं दिख गया, मेरा नबी आप लोगों को नहीं दिखता। अब अगर कोई बहुत जिद करे हमें तो नहीं दिखाई देते, हमें तो नहीं दिखाई देते, तो झगड़ा मत करना, पोजीशन समझ जाना। पूरे ओवर में सिक्स, हम लोग सिक्स वाले हैं, छठी वाले हैं, गरीब नवाज वाले। निकले हुजूर जा रहे, ये सच है, रसूल का आना जाना सच है, दिखे हुए अली को दिखाई पड़ेगी जा रही, अली को दिखाई पड़े जा रही, सभी को नहीं दिखाई पड़े, तो देखेंगे वही जो अली वाले हैं, वो नहीं देखेंगे जो सभी वाले। तो ना देखने से यह कहां साबित होता है कि आप गए नहीं। कुरान गवाह है, हमारा तुमने फेंकी थी, तुमने नहीं फेंकी थी, बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। काफिरों को नहीं जीतता, फिर भी आना जाना साबित। तो अब अगर कोई कहता है कि आशिकों के इस मजमे में चाहने वालों ने अगर अपना दिल राह मदीना में बिछा दिया और मदीने वाला आया, तो दिखाई पड़े न दिखाई, न दिखाई पड़ना तो वहां दिखा जहां हुजूर जा रहे। तो अब अगर किसी को कहते हुए सुनो, हम तो नहीं दिखाई देते, न दाता लाहौरी के यहां दिखाई देते हैं, न सादिया गुजरी के यहां दिखाई देते हैं, न जकरिया मुल्तानी के यहां दिखाई देते, मुस्कुरा के गुजर जाते, लगता है कंकरी का असर जारी है। दुनिया में फैला हुआ है जो कदम रखते थे तो निशान हो, निशाने कदम। मैं जब सरकार पत्थर पर पैर रखते थे
तब निशान का होता है। क्लियर कर दूं, और जब नर्म मिट्टी के तो निशान नहीं पड़ा। नर्म मिट्टी पर हमारा पैर पड़े तो निशान बनता है, नबी का नहीं बनेगा। और पत्थर पर जब उम्मती का पैर पड़ता है तो निशान नहीं बनता, नबी का बनेगा। जहां उम्मती का नहीं बनता नबी का बनता है, जहां उम्मती का बनता है नबी का नहीं बनता है, ताकि हर उम्मती समझ जाए हम नबी की तरह नहीं है। जो दहशत गर्द पीछा कर रहे थे, जो टेररिस्ट के पीछे पीछे थे, कल का टेररिस्ट अबू जहल था, आज तो जाहिल है, निस्बत जहली ही से है। वतन को तुम मिटा नहीं सकते, क्योंकि इसे इसे सियासत ने नहीं विलायत ने बनाया है। ये मुमलकत खुदा का हक है, किसी सियासी जमात की तासीर नहीं, किसी की जागीर नहीं। इसका रिश्ता काका से है, ख्वाजा से है, गौसे आजम से है, अली से है, नबी से है, निजाम मुस्तफा से है। ये हमारे या उम्मत हो या मेरे वादी के ग्रामी जिन्होंने सुन्नी कॉन्फ्रेंस 1946 में आपको सुना दो मेरे बाप ने क्या कहा। मैं चाहता नहीं क्लिप बना के भेज देगा, जिसने तख्त और ताज को जिसके दादा ने ठोकर मारी हो वो काफिर हुकूमत से नहीं डरते। जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जला। इसलिए इंशाअल्लाह ये मुल्क महफूज था, महफूज है, महफूज रहे। तुम इसके वफादार थे, वफादार हो, वफादार रहो। पाकिस्तान सदा सलामत, पाकिस्तान सदा सलामत, पाकिस्तान। और एक बात जब आपने यह सुन लिया तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करने वाले जो दहशतगर्द थे उनको तो निशाने कदम से पता चल जाएगा कहां गए। पत्थरों पे जब निशाने कदम देखेंगे तो समझ जाएंगे हुजूर इधर ही गए। काफिरों की मुमकिन नियत और मुस्तकबिल की फिक्र निशाने कदम देकर के पीछा करेंगे। सरकार को पहले से मारा और सिद्दीक अकबर से कहा मुझे अपने कांधे पे भेज दो। अब हुजूर का कदम हवा में, निशाने कदम ढूंढने वालों को कदम ही नहीं मिल रहा। कदम मिले जब करम मिले, हमें निशाने कदम इसलिए मिल रहा है कि हमारे पास करम है और इधर उधर का करम नहीं, मोहम्मद करम है। किसी ने जाते जाते हमें बरकात का भी तोहफा दिया और हसनात का भी तोहफा दिया।
कार्य पर गए हुए चले जाते हैं। निशान से भी कैदवर कर चार चार तरफ से धोखा कैसे कंफ्यूज। कार्य स्थल तक पहुंचे उतार दी अकीजे कैसे मिला गया सिद्धि के अंबर उस मुकद्दस तरीन हस्ती का जिसने जीते जी अपने कांधे पर बारह नबूवत उठाया बारह नबूवत उठाया। तो जिस सिद्धि ने बारह नबूवत उठाया हो उसकी जिंदगी में कोई बारह खिलाफत कैसे उठाएगा। और जब हमारे शोर के पास गए तो सिद्धि ने अकबर ने कहा जय सुना भूल जाएंगे पहले खादी में ताकि कुछ आफतें हो कोई मुश्किलें हो कोई रिस्क हो कोई खतरा हो कोई मुश्किल हो सरकार महसूस हुए। सिद्धि ने अकबर अंदर गए रविश साफ किया कचरा बाहर निकाला गंध दूर किया कुछ होल है सुराख है बंद किया कपड़ा खत्म हो गया रह गया तो पैर लगा दिया और अंदर ही अंदर बोले या रसूल अल्लाह चले आइए गार साफ हो गया चले आइए तवज्जो चले आइए गार साफ हो गया। एक मामूली से गार में तवज्जो एक मामूली से खार में मेरा नदी बगैर सिद्दीक के नहीं जा रहा। एक मामूली से खार में बगैर अबू बकर सिद्दीक के रसूल नहीं जा रहे तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक के कैसे जाएंगे। अच्छा ये इतना जागता हुआ बेकार मजमा है तो मुझे बताओ कि आपके दिल की ये तड़प है सरकारें तो आराम आपके दिल में आ जाए मदीना आ जाए सीना सीना पसीना पूरा मदीना सरकार दिल में आ जाए है ना। कर काम करना पहले अबू बकर सिद्दीक को दिल में ला एक काम करना सिद्दीक अकबर को पहले दिल में ना हो जो तेरे दिल के अंदर कचरा हो निकालेंगे जो भविष्य हो निकालेंगे जो गंध है वो निकालेंगे जो बिदअतों के सुराख है निकाल देंगे जो हरामकारियों के दाग है वो निकाल देंगे जो गुनाहों की गंदगी है निकाल देंगे। फिर तुझे कहना नहीं पड़ेगा वो खुद ही कहेंगे या नबी चले आओ दिल साफ हो उन्हें उम्र आगे बहाने बुला दिया
और जिन लोगों का खमीर मक्का और मीना की मिट्टी से था, इनकी बेवकूफियों से वहां पर उनको रोक लिया गया। आओ खबर में आओ, इज्तेमाई तौर पर आओ, कसरत से आओ, हजारों की तादाद में आओ, पहुंची वहीं पे खाक। कहने का मतलब यह है कि तुम वहीं दफन हो गए जहां की उठी। अब आपका मान भी पॉइंट गुंबदे खजरा के नीचे की मिट्टी जन्नत से अफजल। इट्स माय चैलेंज टू एवरी एकेडमिक पर्सन, वो जमीन जो गुंबदे खजरा के नीचे है वो जन्नत से अफजल। और इसी गुंबदे खजरा के नीचे की वो मिट्टी जिसमें रसूल से टच, जिसमें रसूल से लम्स, वो आखे इलाही से हुआ। तुम ये समझ गए? हम ये बताओ कि जब गुंबदे खजरा के नीचे की मिट्टी जन्नत से अफजल है तो उसी में तो सिद्दीक है, उसी में तो फारूक आजम है। और जिस खमीर, जिस जो खमीर उनका जिस मिट्टी से बना, सिद्दीक को फारूक का खमीर जिस मिट्टी से बना वो मिट्टी जन्नत से अंतर है। खमीर, खमीर उर्दू जाने वालों की तवज्जो, खमीर जन्नत से अंतर है मेरे भाइयों। जब खमीर का ये आलम है तो जमीर का आलम क्या? तो ये इमदाद हुसैन साहब ने कहा साहबी का तुझुम बे भी बेहतर हमें रास्ता दिखा के चले गए। हजारों को रास्ता दिखाया है, चलो लाइन में मैं भी हूं। अब इसका दूसरा पार्ट है अहले बैत का सफी करने हूं। ये ले अहले बैत कश्ती साहबी सितारा, क्या कॉन्टैक्ट है? सितारे का काम है रुख बताना, उत्तर किधर है, यूरोप किधर है, पश्चिम किधर है, मगरब किधर है, मग़रिब किधर है, मशरिक किधर है, जुनूब किधर है, शुमाल किधर है। रुख बताना सितारे का काम है, पार लगाना कश्ती का। तो वो मुसाफिर जिंदगी का सफर कर रहा है, हिजाब की सफर के लिए भी निकलेगा। अगर वो मक्के से बसा समंदर के रास्ते से जा रहा है तो उसके लिए दो बार लाजमी है, कश्ती को मजबूती से वो ताजिर पकड़े रहे, कश्ती छोड़े नहीं, कश्ती से कूद के बाहर आ जाए, गर्क दरिया हो जाए। और अगर उसकी नजर सितारे पर जमी रहेगी तो मंजिल गुम नहीं होगी, अपने टारगेट तक पहुंचेगा। तो जो टारगेट से भटक जाए, समझ जाओ सहाबा से ताल्लुकात खराब है, और जो गर्क दरिया नजर आए, समझ जाना अहले बैत के रसूल से ताल्लुक टूट गया। बैठो कश्ती पर, देखते रहो सितारों को, पर याद रखना दिशाओं में, संतों में, संतों में चार ही बड़ी संत है, उत्तर तक बिल्कुल पश्चिम, सहाबा में चार ही बड़े सहाबा, फरिश्तों में चार ही बड़े संत, रसूलों में चार ही बड़े, मुस्तहदीन बेशुमार में लेकिन बड़े बड़े चाही हुए। इस चार में करार है और इस्लाम उसके पिलर्स पांच हैं, बेसब अल्फाइव पिलर्स, तौहीद पांच उंगलियों पर रखो प्रैक्टिकल करो, तौहीद नमाज, रोजा, हज, जकात,
ये चारों की चारों फर्ज हैं, एक साथ हैं, पर मिलके नहीं, आपस में मिलते हैं। ये इससे हग नहीं करेगा, ये इससे गले नहीं मिलेगा, ये इससे गले नहीं मिलेंगे, इसका मुंह इसके मुंह से नहीं मिलेगा। ये चारों के चारों नमाज रोजा हज और जकात चारों के चारों फर्ज है, मकसूद की जात है, इबादत मकसूदा है मकरूजा, लेकिन मिलते नहीं, एक साथ जरूर है। लेकिन ये ईमान है, ये ईमान है, आमने सामने मिलने को तैयार है। नमाज भी ईमान से मिलती है, रोजा भी मिलता है, हज भी मिलता है, जकात। तो अगर चाहते हो कि तुम्हें नमाज मिले, रोजा मिले, हज मिले, जकात मिले, तो पहले ईमान वाले बन जाओ। अगर ईमान वाले नहीं हो तो ये घूमते रहो, कभी मुलाकात नहीं। या अब हमारे पास दो चीजें आ गई है, ईमान तौहीद और दूसरा नमाज रोजा हज ज़कात वगैरह वगैरह वगैरह। अब दोनों का टेस्ट अलग अलग, ईमान का इम्तिहान कब्र में, अमल का इम्तिहान हिसाब किताब हशर में। जैसे वो हम मुसलमान लोग को कब्र में कब्र के सबूत करते हैं, वापस आ रहा है, पैसा आ रहा है, जाता है, जिंदा हो जाता है। आम मुसलमान जिंदा हो जाता है तो मुसलमान बनाने वाला मुर्दा हो, मुसलमान बनने वाले कब्र में उठाए जाते हैं, गिराए जाते हैं, पूछा जाता है। ये तो बनने वाले का हाल है, तो बनाने वाले का मंदर होगा, नाजीर होगा, नाजीन गया है बीबी विश्वा माकुम का बोलो कि हाथ नाजी विश्वास के बारे में क्या कहते, क्या कहा करते थे, अगर नबी होगा मोहम्मद रसूल अच्छा सो जाए ना मती उलूस सो जाओ जैसे गुलाम सुन जाती, तो फिर बात करूंगा सो जाओ। हम इंतजार करें नमाज तो पूछ, ताजुद उठते पड़ता था पूछे ही जा, और सब पूछूंगा मैं ऐसा भी रोजे मैसा की जान को दाग हुआ अव्वली कुर्सी से नमाज हुआ, जमा सबसे पहले मैसर में पूछी जाएगी और कब्र में सिर्फ ईमान पूछा जाएगा। क्यों? ताकि जो ईमान में कामयाब हो उन्हीं से मैसर में नमाज पूछी जाए, उन्हीं से मैसर में रोजा पूछा जाए, उन्हीं से मैसर में ज़कात पूछी जाए, उन्हीं से मैसर में अमल, क्योंकि जो पहला एग्जामिनेशन फेल हो जाता है नेक्स्ट एग्जामिनेशन में जा नहीं सकता। ये फेल हो जाओगे तो बीए में एडमिशन नहीं होगा, बीए फेल हो जाओगे तो एमए में एडमिशन नहीं होगा, तो कब्र में फेल हो जाओगे तो हश्र में एडमिशन नहीं होगा। तो अगर अपनी नमाजों को बचाना है, अपनी इबादतों की हिफाजत करना है, अपने सजदों को बचाना है, अपनी सब बेजारियों को बचाना है, जिक्र इलाही को बचाना है, तो फिर अपने ईमान को मजबूत बनाओ। ईमान है तो रब मेहरबान है, ईमान है तो रब मेहरबान है। दूसरा है मोमिन हुआ तो मन रब होगा, तुम्हारा रब बोले मोमिन है रबी अल्लाह, और काफिर हुआ अब वो काफिर क्या है, नसारा हो, यहूद हो, हुनूद हो, इन्हीं का वगैरह। हाँ हाँ अफसोस अफसोस, मैं भी सारी जिंदगी में रखा चला था, कल में कह रहा हा हा लाडली मादीनो हा हा लाडली माफी का बोलो ब्याज हो गया हा।
एक ही जवाब सिर्फ काफी देगा। मोमिन हुआ तो हर सवाल का सही जवाब देगा। इस पर ये फीकी एक तालीमी किला है। मजाक की इस निगरानी मजलिस में एक ग्रामेटिक अटेंशन चाहूंगा। मां ककुलो की हाजा रजुल नहीं, मां गुरुता ककुल। तुम इसके बारे में क्या कहते हो, ये सवाल फरिश्ते का नहीं है। क्या कहा करते थे, तुम्हारी आदत क्या थी, क्या कहा करते थे? हम तो यही कहेंगे कि या रसूल अल्लाह कहा करते थे, या नबी अल्लाह कहा करते थे, या हबीब अल्लाह। अब जिनकी आदत अच्छी नहीं है वो क्या बोलेंगे कि क्या कहा करते थे। उस वक्त कई बात के हुजूर पर जलवा साफ होगा, मां पिता का हम लोग की आशा इस मर्द के बारे में, इस मर्द के बारे में क्या हुजूर सामने होंगे। एक साथ अवेलेबल नहीं, वो ऐसा है वो तस्वीर आ रही है, बैगा तस्वीर अगर सरकार की भी मान ली जाए तो तस्वीर को नबी कहना कैसे सही होगा। हाशमी की तस्वीर हाशमी नहीं है, वरना हाशमी लाखों हाशमी बन जाएंगे। इतने मेरी बात की औलाद नहीं, हाशमी अकेला है नहीं, मेरा ये ताज हाशमी नहीं। ताज जो है अल्लामा नहीं है, मेरा रुमाल मौलवी नहीं है, मेरा लिबास मौलाना नहीं है, तो नबी की तस्वीर नबी कैसे होगी? और जो नबी ना हो उसे नबी कहना कैसे सही होगा? मोमिन जवाब देता हासान नबी जोड़ा, ये हमारा नबी है। और शकीर को नबी नहीं कह सकते, तस्वीर को नबी नहीं कह सकते, फोटोग्राफ को हम नबी नहीं कह सकते। अरे नबी का नारा में पाक तबरुक है मगर नबी नहीं है। नबी की काली कमली हमारे लिए तबरुक है मगर नबी नहीं है। तो नबी की तस्वीर भी नबी नहीं है। लेकिन मोमिन का जवाब कि हमारा नबी है, ये साबित करता है कि कब्र में जाते पाके मुस्तफा। खिड़की खुल जाती, खिड़की खुल जाती, वो मदीने में सरकार कब्र में है। हाँ, अब तुम लोग यहां हो, खिड़की खुल जाती, बोलिए हम बेरा शरीफ में सरकार मदीने में, हमारा आप आ गया कब्र में, खिड़की खुलेगी या यहां से लेके मदीना शरीफ तक वो सुरंग होगी। और बीच में हिंद महासागर भी जो है वह अलग का पानी नहीं भूल जाए, छह फीट से ज्यादा नीचे का कवर भी नहीं होगी, पानी भी घुस जाएगा दरिया का। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो जमीन सिमट जाती है, सिमट जाती है। सरकार को बदले खतरा में, हाँ तुम्हारा टायर है यहां कब्र में है, कब्रस्तान में, हाँ ये दोनों के बीच जो जमीन है वो सिमट जाती है। सिमट जाती है तो खिड़की खुल जाती, खिड़की खुल जाती वो देख लेता, देख कहता हारा लग गया। मैं कहा मल साहब आपके जमीन में सिमटने की ताकत मान ली, और अपने नबी में आने की ताकत मानने में तकलीफ है। हमें जमीन के पुजारी को भारत में जमीन की पूजा तो वो करते हैं जो खुदा तक नहीं पहुंचे। क्या तुम भी नहीं पहुंच पाए? जमीन माता है, कहीं जानवर माता है, और कहीं पत्थर है, कहीं पौधे हैं, वो नहीं समझते। ताकत तुमने,
जमीन में सिमटने की मानी। अच्छा, जमीन सिमट सकती है, यह शिर्क नहीं है। जमीन खुद सिमट जाए ये शिर्क नहीं। वो नबी चल रहा है। मैं कैसी बात कह करके इसका, तुम कौन सी खिड़की खोलते हो? अब मैं वो कहने जा रहा हूं कि तुम्हारा गेट खुल जाए। क्योंकि हम किसी को चिढ़ाने के लिए, दुख देने के लिए, तंज के लिए नहीं आते। हम आते हैं दिलों को जोड़ने के लिए, तकदीर के कल्ब के लिए, जहन को बात साफ करते हैं। आइए आवाज़ ख्याल में बाकायदे सड़क में ले चले हम आपको। एक सहाबी का इंतकाल हो गया नबी करीम की आंखों के सामने। नबी करीम ने उसे नहलवाया, कफनवाया, जनाजा बढ़ाया, जनाजा उठवाया, जनाजा बकी पहुंचाया, उसको करवाया, खाक में पहुंचाया, मिट्टी के सुकून फरमाया, पर अपने सहाबा के साथ सरकार लौट गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर हैं, सहाबी कब्र में है, फरिश्ते ने जगाया, पूछा सहाबी से मन रब को कहा तेरा रब कौन है? रसूल अपने सहाबा को लिए हुए अहले बैत वाली गली से बाबे जिब्री या बाबुल निसा की तरफ जा रहे हैं। सहाबी ने जवाब दिया, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते सारे मार दिए होगा। रसूल अपने सहाबा को लिए हुए बिल्कुल जन्नतुल बकी के करीब पहुंच गए, जन्नतुल बकी से मस्जिद नबवी के करीब पहुंच गए। सहाबी ने जवाब दिया, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अब तो सहाबी और रसूल बाकी एक साथ मस्जिद नबी के करीब पहुंच गए। फरिश्ते ने पूछा, मैं खुद का काकूल की हाजर रजुल, इस मर्द के बारे में तुम क्या कहते हो? तो सहाबी कब्र में देख रहा है, सिद्दीक अपने बगल में देख रहे हैं, फारूक आजम अपने पास देख रहे हैं, उस्माने गनी अपने पास देख रहे हैं। सहाबा के झुरमुट में भी नबी और कब्र के अंदर भी नबी, नीचे भी नबी, ऊपर भी नबी। अब कौन सी खिड़की खोलोगे? अब कौन सी खिड़की खोलोगे? जमीन पर नबी, कब्र में सहाबी। सवाल हो रहा है नबी के बारे में, कब्र में सहाबी भी नबी को देख रहा है, सहाबे के आप अपने पास भी नबी को देख रहे हैं, कौन सी खिड़की खोलोगे? अबे खिड़की काहे को खोलते हो? अपना जहन सही कर लो कि मेरे रब ने अपने महबूब को वो कुव्वते कुदसिया अता की है। हबीब जहां चाहो जाओ, जब चाहो जाओ, जिधर चाहो। तब जवाब सही जवाब दिया, नम सिली तनो मतिल रूस मिसाल भी थी तो दुल्हन की या हमारी नींद की मिसाल नहीं थी, दुल्हन की नींद। तो दुल्हन की नींद ये कोई दुल्हन ही बताए? मुझे जब मौका मिला तो मैंने पूछा सच बता, सच। वो खानदानी जर्जिया भोसिया की वो भी थी, मेरा सच बताइएगा सहीगा कि जब तुम्हें लेटा दिया गया था, सोला दिया गया था, मैं बाहर था, तो तुम्हारी नींद कैसी थी? कहा नींद क्या थी, आंख में गम कर ली, महबूब का इंतजार था। ये सरकार करे दुल्हन की नींद, आंखें बंद कर ले, जलों में गुम हो जा, दुल्हन की तरह सो जा।
उर्स, ये उर्स मिलन है, विशाल है, इसीलिए कहते हैं विशाल हो गया, वसल हो गया, फसल नहीं। जाल उम्मत का विशाल हो गया, उससे मिले जो पर्दे में, पर्दे वाला पर्दे में मिलता है, जो हिजाब पे है वो हिजाब पे मिलेगा, जो बातिन है वो बातिन में मिलेगा, कब्र में जलवा मिलेगा। और मालूम है ये उर्स का होता है, खास बनना है, इस पे चादर का खास गलाफ का, आपने देखा होगा हर सिया गलाफ है, कुछ लोगों की समझ में नहीं आता, तो मैं ऐसे लोगों के मुंह ही नहीं लगता, सब तुम्हारी समझ में वही नहीं आता है, तो ये मुंह भी कहां से, इसकी समझ में नबी नहीं आए, उसी की समझ में आ नहीं गई है, नबी समझ में आ जाए तो मेरा जी को कौन नहीं समझेगा, और अली समझ में आ जाए तो वली को कौन नहीं समझेगा, और वली समझ में आ जाए तो दीन को कौन नहीं कुरान को गैलाब की जरूरत कहीं है,
हम जैसे नापाकों को गैलाब की जरूरत। मैं जिस बुरी हालत में था, अगर कुरान पर गैलाब होता तो मैं गैलाब को न छूता, मेरी नापाक उंगलियां कतरा के निकल जाती। तो इसीलिए तो हमने बुजुर्गों की मजार पे चढ़ा दिया कि जो पाक है वही छुए। पाक वालों, यह पाक वालों का है कि वो पाक है, पाक रहे, पाक मरे। जो पाक होंगे वही उंगलियां छुएंगी, जो नापाक होंगी वो कतरा जाएंगे। तो अगर गुलाब देखकर कोई कतरा रहा है तो झगड़ा मत करो, समझ जाओ वो नापाक हो गए। मैं ये बात अलामा के सामने बरतानिया में मिल गई, औरत अफरोज है। तो मैंने मिसाल दी थी कि अलामा फरासी साहब को मैंने भेजा जाओ, बता भी नहीं दिया। गए 50 मिनट में बुखारी शरीफ लेकर गया। इतना बड़ा मुहत्तिक हस, इतना अजीम मुहत्तिक, 50 मिनट में बुखारी हुआ क्या? अब क्या करता, एक मोटी सी किताब निकाली पलट कर देकर, सही मुस्लिम अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली पलट कर देकर, जामे तिरमिजी अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली रोजा अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली बने माने अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली पटोल बारी अंदर। ऐसे में 40-45 मिनट निकल गए, एक मोटी सी किताब निकाली बुखारी मिली ले गया। मैंने मिसाल दे रहा, कटावा नहीं है, मिसाल दे रहा कि जाओ दास का बिकन ले जाएगी। वो गए तो 40 मिनट सरदार, आप भी 40 मिनट लगा कर दास का बिकन ले, क्या बोलू आप, जनमानी तो जंगल है। एक मोदी जी की काम निकाली कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है, इसलिए अंदर किया, फिर एक मोदी की किताब निकाली शेक्सपियर के ड्रामा का कलेक्शन है, फिर अंदर किया, फिर एक मोदी की किताब निकाली विलियम बेलाक विलियम स्कॉट एंड शेक्सपियर की सबको चीनी की फिर अंदर किया 40 मिनट की। मेरा यार पढ़े लिखे लोगों का इलाज तो एक अनपढ़ आदमी को भी मैं इस्तेमाल करूं। मैं कहा जुम्मन खान जूर क्या कर रहे हो, जोहर की नमाज पढ़ के आ रहा हूं, वजू से हो, क्या हो रहा है शरीफ में गया 5 मिनट में आ गया। अल्लाह फराजमी साहब 50 मिनट में बुखारी गया, हमारे डॉक्टर साहब 40 मिनट में घास के फिकर ले आए, और वो अनुपढ़ अंगूठा के 5 मिनट में लेके आ गया। मैंने पूछा खासा व्यक्ति जल्दी कैसे हो गई, अका हुजूर हमको कोई उलटना पलटना था नहीं, अलमारी खोला जिस पर गुलाब देखा लिए चले आए। अब समझ में आया गुलाब क्यों चढ़ाते हैं, तवज्जो करो जरा, क्यों चढ़ाते, एक कुरान एक किताबुल्लाह, तुझे दूसरों की किताबों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए। किताबुल्लाह पे गलत चढ़ा दो, एक बच्ची के हराम, तुझे दुनिया की सारी मस्जिदों के साथ जमीन पर रहना है, कहीं तुझे दूसरी मस्जिदों के बराबर न समझा जाए। काबतुल्लाह पे गलत चढ़ा दो, और आम मुल्कों के बीच लेटने वाले अल्लाह के वली, तुझे दूसरे मुल्कों के बराबर न समझा जाए, इसलिए वलीउल्लाह पर गुलाब चढ़ा दो। काबतुल्लाह अगर मस्जिदों के बराबर नहीं, किताबुल्लाह दूसरी किताबों के बराबर नहीं, तो वलीउल्लाह दूसरे मुल्कों के बराबर है। ये वो सब ने दामन में अकायद का खजाना भी लेता है, आमाल की सलाह कारखाना भी यहां, इल्म और दानिश की आमादगा भी यहां है। हम सब की कितनी गहराई से ये दुआ है कि मौला भारत ये तरीकत अमीरुल हसना मदरसे लहू लाली के इल्म में उम्र में बरकत करता है।
मैं इन्हीं की वजह से यहाँ हूँ, इसलिए अलग से शुक्रिया अदा करता हूँ। वाह।